नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 8 महीने से ये वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है। कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत को बस इसकी वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि कई देशों में इसकी तैयारी तेजी से चल रही है, लेकिन वैक्सीन भारतीय बाजारों में कब तक आएगी, इसे लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो भी जाती है तो सामान्य लोगों तक इसे पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। नेटवर्क 18 ग्रुप को दिए अपने इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि आम लोगों के लिए 2022 तक भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। इसके साथ डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी चताया कि अभी कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं है। भारतीय बाजारों में इसकी दवाई आने में फिलहाल 1 साल तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। अपने इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि सामान्य लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन आने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद भारत के लिए क्या चुनौती होगी, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमारी प्राथमिकता इसके वितरण को लेकर होगी, जिससे कि वैक्सीन देश के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए पर्याप्त संख्या में सिरिंज और निडल देश के महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एम्स डायरेक्टर ने कहा कि हमारे लिए अगली चुनौती ये जानने की होगी कि अगली खेप की वैक्सीन की क्या स्थिति है, क्योंकि वो पहले खेप में आने वाली वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में हमें समय देना होगा और देखना होगा कि बाजार से इसे अन्य फ्लू वैक्सीन की तरह कैसे खरीद कर घर ले जा सकते हैं। असल में यही आदर्श सामान्य स्थिति होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।